हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का थर्ड डे है और मैं चमकीले मेकअप से बिल्कुल फेड अप हो गई हूँ। तो मेरा दिल चाहा कि डू समथिंग क्रिएटिव एंड डिफरेंट, सो हेयर आई एम विद दिस क्रिएटिव एंड डिफरेंट मेकअप लुक। होप यू गाइस लाइक दिस लुक। आपने मेरे मेकअप में देखा कि ब्लू कलर कितना प्रोमिनेंट हो रहा है, तो मैंने उस ब्लू कलर को प्रोमिनेंट करने के लिए अपनी आँख पर पहले वाइट वाटर लाइन पेंसिल से वही शेप ड्रॉ करी, उसके बाद उस पर कंसीलर अप्लाई किया। मैंने वाइट केक लाइनर या वाइट लाइनर इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि वो नॉर्मली लोगों के पास अवेलेबल नहीं होता। ये वाइट वाटर लाइन पेंसिल तो ईजिली अवेलेबल होती है सबके पास, तो मैं उसी से ये लुक अचीव कर रही हूँ। मैं शेप में दोनों तरफ विंग बनाऊंगी और आप ये ध्यान रखें कि जो इस शेप वाइट से आप जो विंग बनाएंगे वो विंग इतना ऊपर हो कि आपका जो आई के ऊपर ब्लैक लाइनर लगेगा उसका विंग और ये विंग आपस में एक दूसरे पे ड्रॉ ना हो जाए। तो ये वाला जो ब्लू का विंग होगा जो आप वाइट से ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा ऊपर ड्रॉ करेगा और ब्लैक का जहाँ आपका होता है वहीं ड्रॉ होगा। मैं यहाँ पे वाइट पेंसिल इसलिए यूज़ कर रही हूँ, शेड इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि शेड पाउडर होता है और फिर आप जब शेड उस पर ब्लू शेड अप्लाई करेंगे तो वो पाउडर पाउडर कोई पिगमेंटेशन नहीं देगा। तो इसीलिए आप वाइट आई पेंसिल यूज़ करने के बाद ये देखिए मैं कंसीलर लगा रही हूँ, फिर शेड लगाऊंगी तो शेड कितना पिगमेंटेड लगेगा। ये मैं कंसीलर अपने पूरे उसी वाइट हिस्से पर लगा रही हूँ। तो मैंने कंसीलर से अपना विंग ड्रॉ किया और ये ध्यान में रखा कि मेरा विंग ब्लैक लाइनर की विंग की जगह पे ड्रॉ ना हो। आप देखें कि अब कितना अच्छा पिगमेंट आ रहा है मेरे ब्लू शेड का। तो मैंने कॉर्नर पे थोड़े छोटे ब्रश से शेड लगाया ताकि वो शेड बाहर ना जाए। मैंने अपनी आई पे एक बार शेड नहीं लगाया था, मैंने इसको सेट करने के लिए और ज़्यादा पिगमेंटेटेड दिखाने के लिए मैंने अपनी आई पे बार बार उसके ऊपर शेड अप्लाई किया था ब्लू शेड, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा हाइलाइटेड लग रहा था। मैंने उसी शेड से विंग ड्रॉ किया। आप देखें बार बार शेड लगाने के बाद अब कितना अच्छा रिजल्ट आया है। फिर मैंने पाउडर से जो शेड गिरा था वो साफ़ किया, ब्रश से। फिर मैंने अपना विंग लाइनर ड्रॉ किया और विंग मैंने आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे बना रही हूँ, उसी के ऊपर नहीं बना रही। अगर आप उसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे तो आँख का कुछ नज़र ही नहीं आएगा कि आपने क्या ड्रॉ करना चाहे, तो आप उसके नीचे ड्रॉ करेंगे। मतलब इस लुक में दो विंग है, एक ब्लैक विंग होगा और ऊपर का जो लुक है उसका अलग विंग होगा। मैं कंसीलर से अपने आई जो मेरा विंग लाइनर है उसको और शार्प ड्रॉ कर रही हूँ। ये मेरे घर की खलाई मखलूक आई थी वीडियो में जिसका काम से मुझे तंग करना है। आप ये देख रहे हैं कि मेरा वो थोड़ा मर्ज हो गया था आपस में दोनों लाइनर, तो मैंने कंसीलर से सेट किया और ये मैंने 5D लैशेज लगाई थी तो ये कुछ ज़्यादा ही हैवी लग रही थी, सही से नहीं लगी थी। फिर मैं वीडियो को मैंने बीच में रोक के इसको दोबारा जाके सेट किया था। मैंने आई के नीचे पर्पल शेड लगाया, लाइट पर्पल शेड। ये लैशेज भी बहुत अफोर्डेबल हैं, मैंने शायद इनको 150 या 200 में बाय किया था। अब अपनी लैशेज और जो फेक लैशेज लगा रही हैं उनको मस्कारे से सेट करेंगी तो दोनों आपस में चिपक जाती हैं। और ये मेरा फाइनल लुक। होप यू गाइस लाइक इट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।